संतति धर्म को, अपने संसार धर्म को, लौकिक और पारलौकिक पारमार्थिक धर्म को प्रामाणिकता से निभा सको। प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसा विवेक दो, ऐसी निष्ठा दो, ऐसा विश्वास दो। करके धरती माता को प्रणाम किया करें। अब दोनों आदर्श के तौर पर प्रभात संकल्प का नाम दिया। करो सर लंबे स्थित कोण आसन ही किया। स्थित कोण आसन, चक्की आसन, ये दो लगातार करो। व्यवसाय में है तो व्यवसाय धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है, उससे भी कितने लोगों का जीवन खुशहाल होता है। व्यापार धर्म, व्यवसाय धर्म, उद्योग धर्म, जो कि आपकी उद्यमिता है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज, प्रामाणिकता से निभा सको। प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसा विवेक दो, ऐसी निष्ठा दो, ऐसा विश्वास दो, ऐसा मुझ में पुरुषार्थ भर दो। दूसरी भी कर सकते हैं, ये अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए सीधे लेट जाए। पूज्य स्वामी विदेह देव जी की तरह अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर ले, जो आप बॉडी को जो फ्लेक्सिबल करना चाहते हैं। शीश मकर आसन में लेट जाए। पूज्य स्वामी शाश्वत देव जी आप मकर आसन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, फिर भुजंग आसन, फिर सर्वासन। रोग के लिए 5 से 10 अभ्यास हम बता देते हैं। शीश मेरी तरह से मंडूकासन से आगे बढ़िए। योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की आराम आराम से अनुष्ठान की तरह। शेष इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल डिजीजेस, लीवर के लिए, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरेट, पायस, विसर, फिस्टुल, बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, जिनको लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं, एक अभ्यास कैसे लंबा किया करें। जब भी आप करते हैं कोई भी अभ्यास, लेकिन उस मां ने वो किया भी तक से आई है मां, और अपना यूट्रस जो बाहर निकलता था वो उसने ठीक कर लिया, मूल बंद लगा के, उंगलियां बंद लगा के। एक बेटा अभिषेक मिला, बोले बाबा मैंने अपना कैंसर अच्छा कर लिया। दूसरा अविनाश जाधव मिला महाराष्ट्र से, ब्लड कैंसर के ही दोनों पेशेंट थे। तीसरी राधेश्याम जी, देखो बोन मेरो ट्रांसप्लांट कोई सॉल्यूशन नहीं है, 4 गोलियां है, विलोम विलोम किया, बाबा जी पैरालिसिस हो गया था, लकवा बोलते गांव में, लकवा हो गया था।
एलोपैथी वाले कहते हैं गांव में भी ऐसी कहावत है, बोले भाई अब तो जिंदगी भर लंगड़ा ही रहेगा, इसको तो लकवा हो गया। उसने ठीक कर लिया। भले बाबा जी डॉक्टर यू कहें कि तू कैंसर, वह कैंसर सबको खा जाता है, मार देता है, तूने कैंसर को भी मार दिया, कैंसर को भी खा गई तू तो। ये हौसला होना चाहिए। माता शांति दी। मैंने कहा माता जी तूने तो बड़ी शांति दी, वो बड़ी क्रांति कर दी। एक तो भाई व्हील चेयर पर ढाई आ गया था, बस आपको सुन सुन करके जो आप बताते हैं, अनार गाजर चुकंदर वीट ग्रास एलोवेरा आदि जूस पियो, इसी की हम बस्ती दे देते हैं और 7 से 14 हीमोग्लोबिन कर देते हैं। ये तो मैंने यहां सैकड़ों रोगियों में देखा है। उसने घर पर एक एक आसन 10-10 मिनट करना है, एक लय के साथ एक रिदम, आज मैं शुरू से ही आपको ये हौसला देने के लिए, अब कुछ तो इतने डरे सहमे निराश हताश उदास मायूस होते हैं, साथ आपको योग कराना चाहता हूं। मंडूकासन करो, योग मुद्रासन करो, जिनको स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम है हम मकरासन भुजंगासन सर्वासन करो, मोटापा के लिए अर्धलासन पादवृत्तासन द्विचक्र, क्योंकि प्लेटलेट कम हो गए, प्लेटलेट WBC RBC इस सब पूरा ब्लड प्रोफाइल गड़बड़ हो जाता है। फिर एलोपैथी वाले क्या करते, बोले इसका तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट कर दो। अरे शरीर में जो टेंडेंसी है आपके ब्लड प्रोफाइल को गड़बड़ करने वाली, उसको तो आपने ठीक किया नहीं, और बोन मेरो ट्रांसप्लांट करने से क्या हो जाएगा, रेडिएशन क्यूमो देने से क्या हो जाएगा, अलग अलग विघटन जारी रहेगा। कैंसर क्या है, इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन, ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ा। ये सारे 2 मेडिकल साइंस की मैंने आपको बड़े निष्कर्ष बताए, एक मैंने जो देखा वो निष्कर्ष आपसे कहा। कब हुआ था भाई राधे श्याम जी कैंसर, कैंसर कब हुआ था? मुझे कैंसर 24 महीने तक जो नाक से खून आता रहा था, इसके बाद में सर्जन ने कहा कि आपको कैंसर है, इसके बाद में योग से ही सही हो गया है, और स्वामी जी का ही प्रताप है, और अब मैं 100 साल जिंदा रहूंगा, इसके बाद तो आगे देखा जाएगा। ये है प्रेरणा, कुछ भी नहीं, 90 साल का यंग हूँ, अभी 2-4 किलोमीटर दौड़ भी सकता हूँ। ये तो पता ही नहीं था 90 साल के हो गए राधेश, और इतना हौसला कि 100 साल जीऊंगा, फिर बाद की बात में देखेंगे। चल बहुत आशीर्वाद उनको देना, बालकों को पहले माता को देते हैं। माँ आपने क्या ठीक किया? स्वामी आप उसका योग देखो, मैंने योग देखा और मेरी 11 बजे आँख खुल जाती, तो मैं 11 बजे लग जाती, 1 बजे खुलती तो 1 बजे लग जाती, 2 बजे लग जाती, मैंने कोई टाइम नहीं देखा, क्यों, दिन में मुझको काम था पशुओं का। बात माँ ने जोरदार कही कि ज्यादा टेढ़े मेढ़े आसन तो ना बनते, लोग पेट खींचने वाले छोटे छोटे कर ले, देख देख मुझे कभी जल्दी ही बुखार नहीं आया आपने 18 साल से। लो जब से करने लगी तब से 18 साल से एक बार भी बुखार नहीं आया। छोटे छोटे बच्चे जवान बीमार पड़ते रहे। जुलाना गुरुकुल हसादीपुर स्वामी सत्यवेश जी रहते थे, भाव रहा ना, और वहाँ महिलाओं की शिक्षा के लिए सबसे और पहले काम ये पोती का जन्म समाज ने किया। 6 तारीख का पोती का जन्म, 6 मार्च का, और मैंने यहाँ से अवन श्याम करी और अवन का ये पूरा किट खरीदा है गिफ्ट के लिए। ये ठीक है कि अपनी बच्ची उसको गिफ्ट अवन अवन करके होता है, ये माता ने शुरू कर दिया ना। अब सुशीला ने
पूरे गांव में कोई भी शुभ कार्य होता है या कभी सूतक होता है, कभी किसी की श्रद्धांजलि होती है, किसी का जन्मदिन होता है, कोई भी बात होती है तो हवन से करते हैं। क्या बात, माँ जोरदार काम कर दियो। चलो बहुत बहुत प्रणाम माँ, अगली जीजी को देना। ले जी, तू और खड़ी हो। ये तो हरियाणा की रोहतक की माता जी, ऐसी छाड़ी माताएं होती है रोहतक में। और तेरे के नाम माँ? मेरा नाम राजकुमारी। हाँ। मेरे बेटे को नाम सौरभ, मैं आगरा, और मेरे बेटा है स्वामी जी। हाँ बेटा, मेरा नाम सौरभ है, मैं आगरा से आया हूँ। मुझे 2018 में एवियन डिटेक्ट हुआ, जुलाई। एवियन बड़ा खतरनाक होता, बोले इसमें कुल्ले चेंज करने पड़ेंगे। ये हो जाता, मुझे कहीं भी आराम नहीं आ रहा। ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन उससे मुझे बहुत ज्यादा आराम मिला। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर एक कायरोप्रैक्टिक के थोड़ा सा प्रोसेस ऐसा होता है, उसमें शरीर को नस नाड़ियों को सेट करते हैं, पूरा टेढ़ा मेढ़ा उसको ठीक करते। लेकिन अब एवीएन जैसी बीमारी, एवीएन, एएनए, एचएलबी 27 दर्द हो, एक स्ट्रिंग लगा और मैं बिना लंगड़ाए चल सकता हूं आराम से, नो प्रॉब्लम। चलो अब ये लड़का बिना लंगड़ाए चल सकता है, चल रहा है। खैर ओम स्वामी जी, ट्रांसप्लांट से लेकर के जो भी तुम अलग अलग प्रकार के एलोपैथी का जहर खाते हो वो कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है। 1-2 साल 3 साल 5 साल बाद मरने वाले हो। योग कर लो, और योग में भी प्राणायाम ज्यादा करना पड़ेगा। कितनी देर किया बेटा अविनाश? कितनी देर किया प्राणायाम? प्राणायाम सुबह स्वामी जी मैं 4 बजे से शुरू कर। दवाई क्या क्या खाई है? दवाई यही अपना कर्प्यूमिन गोल्ड, सिस्टू की डायमंड, आरोग्यवती, प्रोस्टोगीट और ऐसे सब, गिलोय वगैरह वो सब जूस पीता रहा। गिलोय, एलोवेरा, हाँ, और स्वामी जी सब, हल्दी, मैं सब आसन भी सब करता हूँ, शीर्षासन, मयूरासन। हाँ, बस प्राणायाम इसमें विशेष लाभ करता है, थोड़ा आसन भी कर लेता है। सब कर। इस बात का प्रमाण है कि आप 2-4 महीने में घर पे ही रह करके भी ब्लड कैंसर ठीक कर सकते हो। जोरदार अभिनंदन है इस बालक का। लाइव एग्जांपल, पूरी रिपोर्ट लेकर के आए ना? हाँ, रिपोर्ट है स्वामी, पूरी की पूरी। हाँ, ये 2017 जो कैंसर डिटेक्ट हुआ, 20 में हुआ, और पहले इसने 20 में डिटेक्ट हुआ, 22 में फिर दोबारा आ गया। हाँ, तो इसने यही पहुंच गया फिर, ये सीधा कुछ नहीं इसने करवाया प्रोसीजर। देखो मैं कहता हूं ये तो सब काम छोड़ के पहले इसको कैंसर को ठीक कर ले, बाकी दुनिया के सब काम धाम बाद में करते रहे। बहुत आशीर्वाद, ओम सो ओम। ये अभिषेक की बात है, ये अविनाश की, और दूसरा अभिषेक कहां गया? अभिषेक भी एक बालक है, यही है क्या स्वामी जी? ओम ओम ओम। इधर अभी दोबारा आया हूँ 3 दिन के लिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद के लिए। या तो इस धरा पर श्री प्रभु राम ही आए थे इस जगत का कल्याण करने के लिए, या बाबा स्वामी रामदेव जी इस धरा पर पूरे जगत का कल्याण करने के लिए आए हैं। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है, पूरे जगत का, पूरे संसार का राम कल्याण के लिए आए बेटा। ये तो इसका देखो, ये क्लोजअप करके दिखाना रे आस्था वालों, तुमसे दिखता हो तो। हाँ, क्या बात, मैंने सब कुछ लिया ड्यूटी को छोड़ के भी, क्यों समय कम मिलता है, बी एस एफ में हूँ बाबा जी, और लेकिन मेरी सेहत की तरफ ध्यान दिया। ला भाई, ये तो मतलब इतना ज्यादा खराब कंडीशन का रोगी मैंने भी नहीं देखा। जोरदार अभिनंदन। अब जैसे कल एक बच्ची आई हुई थी, दिखाई देता था जिंदगी में सिर्फ मौत ही दिखाई देती थी बाबू जी, क्या करें, बहुत सभी पूरा उधड़ गया था। मतलब ये तो इतनी खराब शरीर की चमड़ी को उधेड़ उधेड़ करके, और डबल ट्रिपल परत है बाबा जी, कमर में देखोगे तो बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन कमर भी बिल्कुल क्लीन हो गई है। कमर से भी फोटो। कहाँ से हो? मैं हरियाणा भिवानी डिस्ट्रिक्ट। इतना हौसला कैसे आया जी सर? मैंने ना बहुत, और आशीर्वाद बेटा, खुश है।
हाँ उसको भी दे देना। ये प्रवेश ने तो कमाल कर दिया भाई, ऐसे ही अभिषेक है। इधर आओ भाई अविनाश अभिषेक, अब तुम तो करो बेटा पवन मुक्तासन करो। रेडलेट्स 50,000 से ऊपर रहता ही नहीं था, 50,000 से कंटिन्यूस ऊपर जाता ही नहीं था मेरा, चाहे कुछ भी करो। नागपुर में दिखाया तो वहां पे डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने बोला कि आपको बोन मैरो चढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे इसमें बहुत भरोसा नहीं था, तो मैं वापस आया तो वहाँ एक डॉक्टर मिले मेरे जहाँ रहता हूँ रीवा में, तो उन्होंने लेट हो गए 13.9 मतलब करीब 14 के करीब हीमोग्लोबिन हो गया, और वो जो ब्लड कैंसर था वही हाइपोप्लास्टिसीमिया का उन्होंने बता दिया था। ला कि आप सारी रिपोर्ट नॉर्मल, टीएलसी डीएलसी सब की रिपोर्ट नॉर्मल है सब। ला और कितने दिन लगे? ये स्वामी जी मैंने ये है कि बहाना दिया बीमारी आपसे मिलने का, जीवन तो दिशाहीन था, आपकी मिलने से दिशा मिल गई जीवन। बहुत बहुत आशीर्वाद। ये अभिषेक और ये अविनाश, ये तो दोनों जवान बच्चे हैं। हाँ चल इधर आ भाई। ये अभिषेक पूरा ही कर लिया, पूरा फर्श के ऊपर ही कर रहा है, इसमें भी पद्मासन लगा रहा है, बड़ा जोरदार लड़का है, मयूरासन भी करता है। मैं कोई ऐसा जिला कोई तहसील नहीं, कोई ऐसा बड़ा गांव नहीं जहां योग ना होता हो। महाराष्ट्र में मैंने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय दिया है, उसका परिणाम भी है कि महाराष्ट्र में योग के प्रति सब अभी देखो बद्ध पद्मासन में कपाल भाती कर रहा है लड़का। और विश्वास की पराकाष्ठा है कि भाई गुरु के प्रति भगवान के प्रति अनन्य श्रद्धा का भाव है कि भाई जो गुरु ने बोल दिया वो करना है, पर ऐसा नहीं उसमें हिसाब की तरह है। मेरा हीमोग्लोबिन 7 था, अभी 12 है। अब अनार गाजर चुकंदर आदि लेना और बढ़ वो भी चल रहा है सर। और WBC 2000 थे, अभी 5000 के ऊपर है। और प्लेटलेट 80,000 थे, अभी 1,10,000 के ऊपर है। चलो बात आशा, अब करते रहना बेटा, ठीक है। हाँ और फिर अपना अब बस अब तो सुबह 4 से 8 तक ही कर ले, फिर दिन में अपने को देता है। चलो आशीर्वाद है इसके लिए लड़के। तो एक मजदूर व्यक्ति भी माने इसको लेकर लड़के को ये था भाई ठीक है जो भी कर रहे हैं, ये कोई गरीबी और अमीरी नहीं देखती बीमारी, लेकिन इस लड़के ने हिम्मत करके अब परिवार चला लेगा अच्छे से, खुश बेटा चल। तो ये तो मैंने कुछ जो है कैंसर रोड एक्सीडेंट में जी हाँ। एक सड़क दुर्घटना में मेरे पैर कट गए थे, और उससे पहले मैं योग तो करता था लेकिन उसके महत्व को मैं नहीं समझ पाया था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मेरा हीमोग्लोबिन 2.5 आ गया था। अब रोड एक्सीडेंट में पूरा, लेकिन पता नहीं कहाँ परमपिता परमेश्वर ने मुझे ऐसी शक्ति दी कि मैंने कष्ट भी सहा और उसके बाद मेरा हीमोग्लोबिन बिल्कुल 2.5 आ गया था। फिर मैंने पूरा योगा का सहारा लिया और आपका डेली आस्था चैनल पे मैं बैठ करके जब भी मुझे लगा, पुस्तकें मैंने मंगाई पतंजलि की। कब की बात है ये? जी 2011। फिर तो काफी सुबह दो ढाई ढाई घंटे योगा करता हूँ और आपकी कृपा। अभी हीमोग्लोबिन कितना है? अभी मेरा 12 से ऊपर है गुरुजी, 12 से ऊपर हीमोग्लोबिन। बिल्कुल योगा करता हूँ रोज हमेशा, और उसके बाद तो आपके आशीर्वाद से मैं नेशनल बच गए। हीमोग्लोबिन और पूरे पैर पूरे कट जाए आदमी बेहोश ना हो, ये इसको कहते हैं हिम्मत हौसला। गुरुजी मैं तो जब मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे छोटे बहनों से भी कहूंगा जो बेचारे कभी मंदिरों के सामने और इधर उधर रेलवे स्टेशनों पे बस अड्डों पे जाकर के भीख मांगते हैं, वो कतई इस काम को ना करें। हमारे सरकारें भी बहुत कुछ कर रही हम दिव्यांगों के लिए, और आप जैसी संस्थाएं तो कर ही रही गुरुदेव रहे और हमारा मार्गदर्शन। कहाँ से हो तुम? मैं हल्द्वानी हल्दू चौड़ करके हमारा पहाड़ के लोग बड़े हिम्मत वाले हैं। गुरु जी बच्चा 2 साल का था, आज भी कहता पापा मैंने आपको बिस्कुट के लिए भेज
जा, आप पैर काट गई। पापा बिस्कुट लेने गए थे, क्या करता है लेकिन जीना है और हंस के सिंह गुरु जी, लेकिन आपका आशीर्वाद गुरु जी में शीर्षासन जी, गुरु जी शीर्षासन करके दिखाऊंगा मैं, दिखा करेगा कैसे, अरे कमाल है, ले भाई ये रखो गुरुदेव, ला ये गद्दे पर कर दे, हाँ रे अब जोरदार तालियां हो जाए भाई इसके लिए। क्या नाम है भाई का? भुवन चंद्र गुणवंत, तो पक्का गुणवंत है भाई। विशेष रूप से जो देता हूं, मैं स्वभाव से रोगी नहीं योगी, ये संकल्प भी आपको बहुत से रोगों से दुखों से पीड़ाओं से बहुत संध्या जाविन कृष्ण, हाँ बेटा भी पायलट है वो भी जुड़ा हुआ है कृष्ण, जा आशीर्वाद
यदि किसी के डीएनए में भी गड़बड़ी आ गई हो ना बीच में, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, सोराइसिस जैसी कोई प्रॉब्लम हो भी गई हो, जैसे अभी अनिष्का बता रही थी ना, उनके शायद वात रोग परिवार में होगा, उसकी चैन को तोड़ सकते हो तुम। आप 50, 100, 200 साल पहले जाओगे तो हमारे पूर्वजों को ये लाइफस्टाइल डिजीज, बीपी, शुगर, थायराइड आदि जो बोला जा रहा है, ये हमारे पूर्वजों को कोई बीमारी नहीं थी, जो कैंसर, SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, पार्किंसन, अभी पार्किंसन के काफी रोगी यहां पर जो काफी अच्छे होकर के आए हुए हैं, पार्किंसन, इनको मैंने डिमेंशिया में, ये अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन बहुत प्रॉब्लम है। पता नहीं किधर बैठी वो बेटी, व्हीलचेयर पर थे उनके पिता, कितनी बड़ी क्यों ना हो आप उसको हरा सकते हो। बस आज का जो मंत्र दिया है ना आपको, कि जो आपको करना है ना वो थोड़ा सा लंबा करना है, तो मेरे दंड वालों को तो जैसे मैंने कहा मरकटासन और भुजाएगा, पुरुषार्थ साध्य तो है ये। और फिर मैं थेरापियों के बारे में थोड़ी सी बात और बताना चाहता हूं। कुछ लोग केवल यहां तो कर लेते हैं, घर जाकर के फिर चीजों को छोड़ देते हैं, ये बात ठीक नहीं है। तो 700 भाई बहनों से मिला और सबको एक ही बात मैंने समान रूप से कही थी कल भी, आज उसको फिर दोहरा रहा हूं, जो आपको योग कराते हैं उसको पूरा कीजिए। और कल मैंने कहा और आज भी, आपको अकर्मण्य होकर के नहीं जीना, एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, बाह्य प्राणायाम करो, उच्चाई करो, कि मुझे अपने आप को उभारना है। तो ये रोग क्या बेचते हैं, क्या हो हैसियत है इन रोगों की, क्या औकात है इनकी, कैसे टिक पाएंगे आपके शरीर में, आपको हौसला तो होना चाहिए। योग पूरा आपको करना है, आयुर्वेद की औषध पूरी दे रही है आपको, हमारे सभी वैद्य 10, 10, 15, 15 सालों से, 20-20 सालों से, उनको जितने निष्णात पतंजलि के वैद्य हैं, क्योंकि जितने असाध्य रोगी यहां हमारे वैद्य एक महीने में देख लेते हैं, डॉक्टरों की जिंदगी बीत जाती है, वैसे रोगी देखने को नहीं मिलते उनको। और हरिद्वार में एक सप्ताह में, एक महात्मा ने लंबा का एक सप्ताह में सारा एक्सपीरियंस मैं करवा देता हूं अपने वैद्यों को, और मैंने घंटों घंटों एक एक वैद्य को व्यक्तिगत तौर पर प्रशिक्षित करके, एक माइनर सी भी उनसे कोई भूल ना हो ऐसा खुद पेशेंटों को देख करके, उनके साथ पूरा समय, शक्ति, ऊर्जा लगा करके उनको तैयार किया हुआ, आपको औषधि पूरी देते, सारी थेरेपी करवाते हैं, खान पान उपवास, बहुत बड़ी महिमा है इन चीजों की। और ये थेरेपियां घर भी जाकर के करनी है, घर में भी नस्य करना है, सप्ताह में एक बार से लेकर के 3 बार तक। और किसी को बहुत ज्यादा होती है प्रॉब्लम, जैसे आते हैं कुछ लोग बोलो जी पूरा भरा पड़ा है शरीर कब से, मैंने कहा डेली नस्य करो, 2 बार करो सुबह शाम, बाद में फिर सप्ताह में 3 बार, फिर 1 बार, ऐसे घर भी जाकर के आपको ये सब करना है जो यहां करवाते हैं। घर जाकर के आपको जल नेति, सूत्र नेति, कुंजर, घर जाके त्रिफला से आयवास, घर जाकर के भी आंख में दृष्टि, सौम्य, महात्रिफला, घृत, ऐसी बूंद बूंद करके घी डाल लो, पूरा क्षेत्रफल नहीं होता है। घर जाकर के ईयर ग्रिड से जो है आपको कर्णपूर करना है, घर जा करके आपको नस्य करना है, घर जा करके कर्णपूर करना है, घर जा करके गंडूष करना है, घर जा करके अभ्यंग, कायाकल्प तेल से, दिव्य तेलम से, नारायण तेल से, महानारायण तेल से, पीडांतक तेल से, अलग अलग प्रकार के जो आपको उपाय बताते, घर जा करके मिट्टी पट्टी करनी है, घर जा करके भी सन थेरापी करनी है, घर जा करके भी आपको बस्ती जरूर करनी है। कुछ चीजें ऐसी जिनका सर्वाधिक लाभ होता है, श्रृंगी तो घर नहीं हो सकती और वो रोज करने की भी नहीं होती है, उसको तो दोबारा कराना हो तो 4-6 महीने में एक बार 3 दिन के लिए आ जाओ,
बीच में ऐसा कोई अब समय मिल जाता है यहाँ, नहीं तो 3 दिन का मुश्किल होता है, क्योंकि 3 दिन का हमने केवल इमरजेंसी में हम किसी को प्रवेश दे पाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कोई खाली समय मिल जाता है 1-2 दिन 3 दिन के लिए, कभी कोई बीच में गैप मिल जाता है तो उसमें किसी को प्रवेश मिल जाता है। तो श्रृंगी तो यही होगी, श्रृंगी और बस्ती ये आधी चिकित्सा है, वैसे तो पूरी चिकित्सा है। महर्षि चरक कहते हैं बस्ती आधी चिकित्सा है, और महर्षि सुश्रुत कहते हैं रक्त मोक्षण वात मोक्षण जो यहां पर करवाते हैं वो आधी चिकित्सा है। तो अपना उपाय करो। घर जा करके भी बस्ती करनी ही करनी है, और मैं अपने अनुभव से कहता हूं आधी से ज्यादा चिकित्सा, और कुछ रोगों में तो पूरी की पूरी चिकित्सा खान पान और उपवास है। खान पान और उपवास, मैं चार चीजों को, ये सारी प्रक्रिया को चार भागों में उसको विभक्त कर रहा हूं, योग, आयुर्वेद के औषध, थेरापी और खान पान और उपवास। किसी भी रोग से आपको उभारना है तो देखो, एक साथ आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपका आत्मा, और जो श्रद्धा से आप पूरी तरह जिनका हृदय, भगवान भी आपको आपके रोगों से दुखों से उभारने के लिए आपकी सहायता करते, गुरु भी आपको आशीर्वाद देते हैं। तो जो दिख रहा है, जब आपके शरीर में कोई रोग हो जाता है तो आपका शरीर उस रोग से बाहर आना चाहता है, लीवर फाइट करता है, फाइटिंग करता है, किडनी, पेनक्रियाज, लंग, हार्ट, आपकी बॉडी इस रोग से लड़ती है। ये तो मैकेनिज्म 9वीं 10वीं के बच्चों को भी बता दिया जाता है, आप तो सब पढ़े लिखे लोग हो। बॉडी फाइट करती है, आपके शरीर की एक एक कोशिका, लीवर, किडनी, हार्ट की बात छोड़ो, एक एक बॉडी का सेल, और इस सेल के बाद छोड़ो उसका जीन्स, क्रोमोसोम्स, उसका डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एक एक सूक्ष्म घटक, एक सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स के सूक्ष्म घटक होते हैं, फिर उन सेल से बनने वाले टिश्यूज, उनसे बनने वाले ऑर्गन्स, पूरा सिस्टम, पूरी बॉडी एक साथ रोग से उभरने के लिए संघर्ष करती है। आयुर्वेद की औषधियां फिर उसको मदद देती है कई प्रकार से। आयुर्वेद की औषधि एक एक अंग विशेष के लिए तो स्पेसिफिक होती है, लीवर के लिए लिवोग्रिट, लिवामृत, किडनी के लिए रिनोग्रिट, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादि, ट्राइगन, कोरीगन, नीम, पीपल के पत्तों का रस, गोखरू का पानी, धनिया का पानी, जौ का पानी, ये सब सब मदद करते हैं आपकी सारी चीजें। और एक साथ ये खास बात बताता हूं आपको, अब ये कुछ बड़ी चीज कहने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनो। ये जो सिंगल मेडिकेशन वाला जो पूरा घोटाला है ना, ये मेडिकल क्राइम है, ये मेडिकल त्रासदी है, मेडिकल आतंक है, ये मेडिकल स्कैम है, ये मेडिकल करप्शन है। कि जो कहते हैं कि हम सिंगल मेडिसिन से लोगों को ठीक करते हैं अलग अलग बीमारियों के लिए, सिंगल ड्रग कभी भी व्यक्ति को ठीक कर ही नहीं सकता। व्यक्ति का जो पूरा व्यक्तित्व, अब जिस पिंड में सारा ब्रह्मांड समाहित है उसको एक सिंगल मॉलिक्यूल से, एक सिंगल ड्रग, ये तो जड़ता और मूर्खता की और विवेक की पराकाष्ठा है, हद हो गई। हम जो आपको दवाई देते हैं ना, चाहे एक गिलोई दे रहे हैं, चाहे तुलसी दे रहे हैं, चाहे नीम दे रहे हैं, चाहे पीपल के पत्तों का रस दे रहे हैं, चाहे बनाइए हमने ओरोग्रिट, उसका नाम है काकड़ा सिंगी, लेकिन काकड़ा सिंगी के एक औषधि के अंदर सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और अनेक प्रकार के जितने भी शरीर के विजातीय तत्व, उनसे लड़ने की एक साथ ताकत है। इसलिए हम इसको ब्लड कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में, यूट्रस, सर्विक्स कैंसर में और अलग अलग प्रकार के कैंसर्स में देते। एक औषधि में 100 से लेकर के 1000 तक फाइटोकेमिकल्स होते हैं, रासायनिक संघटना होती है उसकी। कहने को एक काकड़ा सिंगी है, कहने को एक गिलोई है, उसमें 500 से 1000 एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, औषधीय तत्व होते हैं। आपको दिखती है एक तुलसी, दिखती है गिलोय, दिखती है काकड़ा सिंगी,
दिखती है शतावर अश्वगंधा, लेकिन उस एक औषधि में जो औषधियां थोड़ी यहां पर भी लगाई हुई हमने दाएं से लेकर के उधर बाएं तक, ये देखने में एक एक औषधि है, तुलसी है, वासा है, बनफसा है, ये सब औषधियां जो दाएं बाएं लगा रखी हैं, ये एक एक औषधि दिखने में एक है, एक एक में 100 से लेकर के 1000 एक्टिव कंपाउंड्स हैं, औषधीय तत्व है। जब हम कोई भी रोग के लिए औषधि देते हैं तो मात्र एक सेल को, एक टिश्यू को, एक ऑर्गन को नहीं, पूरी बॉडी को उभारती है। तो आपका शरीर रोग से लड़ रहा है, एक साथ आपके 37 ट्रिलियन सेल्स फाइट कर रहे हैं डिजीज के अगेंस्ट। हम आयुर्वेद की औषधि देकर के उस रोग से लड़ने की आपको ताकत देते हैं। और जो शरीर में ऐसे तत्व घुस गए हैं, जैसे अपने शरीर देश में कोई पाकिस्तान, कोई इधर से चाइना, कोई अफगान से कोई और दूसरे आतंकवादी घुस जाए, तो ये जो भीतर आतंकवादी घुसे हुए हैं, जो शरीर के अंदर विजातीय तत्व घुसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए हम पूरा पंचकर्मा षटकर्मा पंचमहाभूत चिकित्सा करते हैं। और इसके बारे में भी इतने दुराग्रह तैयार हो गए थे देश में, कोई केवल मेडिकेटेड वाटर, कोई मेडिकेटेड फूड, कोई एक औषधि दे रहा था, कोई एक थेरापी करवा रहा था, और उसी के ऊपर पूरा घोटम घोटा चल रहा था, और इतने एक तरह से लोगों के मतलब ऐसे गुट तैयार हो गए थे, समूह तैयार हो गए थे, जो पंचमहाभूत चिकित्सा कराते थे नेचुरोपैथी, वो योग का भी विरोध करें, वो आयुर्वेद का भी विरोध करें, वो दूसरी तीसरी चीजों का विरोध करें, जो पंच कर्म कराते थे वो षटकर्म का विरोध करें, वो पंचमहाभूत चिकित्सा का विरोध करें। स्वामी रामदेव ने, पतंजलि योगपीठ ने ये काम करके दिखाया कि सारी सनातन पद्धतियों को एक साथ जोड़ दिया हमने। एक छत के नीचे रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, श्रृंगी, ये काइरोप्रैक्टिक, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा, एक एक इंस्टीट्यूशन में एक साथ ये सारे प्रयोग क्यों कर रहे? अरे भाई, आदमी को इतनी परेशानियां, एक एक आदमी 5-5, 10-10 बीमारी लेके घूम रहा है, उसको ऊपर से सिरोधारा से लेकर के अक्षय तर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य से लेकर के गंडू से लेकर के लेप लपेट से लेकर के अलग अलग प्रकार के शुद्धिकरण के उपक्रम यदि न कराए जाएं, शंख प्रक्षालन से लेकर के कोलोन थेरापी से लेकर के सामान्य बस्ती से लेकर के मेडिकेटेड बस्ती, 100 तरह की तो हम बस्ती कराते हैं, 100 प्रकार से अधिक की हम बस्ती कराते हैं आपको, ये सब करवा करके आपके शुद्धिकरण करते हैं, आपका सशक्तिकरण करते हैं, आपके सिस्टम को अपग्रेड करते हैं, आपकी बॉडी को, माइंड को, थॉट्स को, इमोशंस को, आपकी एनर्जी को ऑर्डर में लेकर के आते हैं, आपको आत्म अनुशासन में लेकर के आते हैं, अथ योग अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन में लेकर के आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है, यहां आपके मन में जो उथल पुथल हो रही है, मैं कहता हूं तन में बीमारी होती है 1%, मन में बीमारी होती है 99%। यहां एक एक दिन में मैंने लोगों के 50-50, 100-100 यूनिट इंसुलिन बंद किए हैं खाली एक संकल्प मात्र से। जैसे मां बोल रही थी ना, आई थी कि मैं तो वो छोड़ करके ही आ गई ऑक्सीजन, ऐसे मैंने अब 50-50, 100-100 यूनिट एक एक दिन में भी छोड़ा है, मन में ये संकल्प आ गया, अब मैं गुरु की शरण में हूं, अब मैं पतंजलि योगपीठ में हूं, अब कोई रोग मुझे आक्रांत नहीं कर सकता, कोई रोग मुझे पराजित नहीं कर सकता। ये संकल्प भी आपको बहुत रोगों से उभार देता है, इसको मैं संकल्प चिकित्सा, संकल्प सिद्धि, संकल्प साधना, इसको भाव साधना, इसको भाव समाधि, इसको गुणातीत समाधि, समाधि, सविकल्प समाधि, सबीज समाधि आपको निर्बीज कर देती, सारे रोगों और विकारों का बीज नाश कर देती है। मैंने यहां पर लोगों के रोग तो मिटते देखे ही हैं, ओ स्मैक और बीड़ी सिगरेट शराब ये सब तो छूटते देखे हैं, सारे दुर्गुण भी छूटते देखे हैं। और प्राणायाम कराता हूं पूरे वेग के साथ कर, ये कनिष्का बेटी जिसने आरोग्य भी पा लिया है, वो कुछ एक गाना भी चाहते, गा लो बेटा, कनिष्का के लिए जोरदार ताली भी बजा दे भैया।
अब ये बच्चे योग में पूरे खो गए, छोटे छोटे बच्चे, जवान, पिता तुल्य, बुजुर्ग और श्रद्धामय मां बहन बेटियां सब लगी हुई हैं योग में, और गुरु चरणों में आकर के, गुरु का, भगवान का आश्रय पाकर के अपने आप को उभार रही है। जरा तेजी से करना सीखो, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, जमीन पे खड़े आसमां पा लिया है, जमीन पे खड़े आसमां पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु के आशीषों से अभिषिक्त हो, अनुग्रहित हो, मुझ पर चारों ओर से गुरु की कृपा, भगवान की कृपा बरस रही है, मैं अभिषिक्त हो रहा, उपकृत, आशीषित हो रहा हूं। गुरु का धर्मान सर्व रोगान सर्व दोषान सर्व क्लेशान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो सर्व रोगेभ्यो सर्व दुःखेभ्यो सर्व क्लेशेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इतना बड़ा आश्वासन भगवान का, तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थमयि आवेशित चित्तसा। मुझमें चित्त लगा, गुरु में, भगवान में चित्त लगा, करो सब बसरी का सामान्य मध्यम अति प्रगति से भजन, तो बेटी कनिष्का यहाँ था गा रहे हैं। आप अपना गुरु में, भगवान में चित्त लगाओ और फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे रूपांतरित होता है। यह भक्ति हो और ये ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए कि गुरु और भगवान ही मेरी मंजिल है, और फिर जो गुरु कहते हैं वो करो, यही कर्म योग। तो ज्ञान कर्म और भक्ति का संगम है यहाँ, मनसा वाचा कर्मणा आत्म उत्थान की साधना कर रहे हैं। हमें जो न सूझे सुझाया वो तुमने, हमें जो न सूझे होकर के गुपचुप चुपचाप गुमसुम होकर के बैठ जाते हो ना, मैं चरे विधि चलते रहो, लगे रहो, एक दिन सारे रोग मिटेंगे, सारे दुख कटेंगे, स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी, जीवन का निर्माण और निर्वाण मुक्ति एक योग से, एक गुरु और भगवान की शरणागति से तुम्हारे जीवन के सारे शुभ के द्वार उद्घटित हो जाते हैं। किसी भी ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास में नहीं आना, भूत प्रेत और तमाम तरह के न जाने क्या क्या ग्रह दोष वास्तु दोष, अरे तू निर्दोष है, शुद्धोसी शुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तित होसी। योग से अपने आप को शुद्ध बना, रोग मुक्त बना, जीवन मुक्त बन जाता।
वैज्ञानिक रूप से थोड़ा सब आपके सामने रखता हूं। कुछ कहती थी भगवान के नाम में कैसी औषध है, नाम तो नाम है, उसमें औषध कहां से आ गई? ये सारी जड़ी बूटियां, ये सारी वनस्पतियां और एलोपैथी के भी ये सारे केमिकल्स, ये सारे सोल्ट और होम्योपैथी की ये सारी एनर्जी पर बेस्ड दवाइयां, ये पूरी दुनिया में चाहे चाइनीज मेडिसिन है चाहे यूनानी मेडिसिन है, ये सारे जगत का एक एक कण किसने रचा है बोलो? भगवान ने। सारी जड़ी बूटियां किसने बनाई है? भगवान ने। तो जिसने सारा जगत बनाया उसी को पकड़ लो, उसी का आश्रय ले लो, सारी औषधियां मिल जाएंगी। तो चलो बेटा, बहुत आशीर्वाद। कृष्ण बाबू कृष्ण, ऐसे भगवान का नाम का आश्रय लेकर के ओम सर्वे वेदायत पदम आमनंति, सब वेदों का, सब उपनिषदों का, सब धर्म अध्यात्म संस्कृति का, सनातन का सार, सारे ब्रह्मांड का सार ओंकार है। सर्वे वेदायत पदमामनंत तपांसि सर्वाणि चेद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति दत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। उपनिषदों में, वेदों में बहुत महिमा है ओंकार की। ये कनिष्का की मम्मी, सारे परिवार को इसने योग में ढाल दिया है, अपने आप को भी रोग मुक्त कर लिया करके आए हैं। आयु है 85 साल की। इधर आ गया हो भाई साहब, 85 साल में पैरालिसिस को पराजित कर दिया। राजबाला 5 साल से ऑक्सीजन पर थी, तो अभी बता रही थी। सौरभ एवियन ठीक कर लिया। शांति ने अपेंडिक्स का कैंसर। विजय सिंह शर्मा, इनकी पत्नी को फिलिपियन ट्यूब बंद थी, डॉक्टरों ने कहा था बच्चे नहीं होंगे, कल बच्चे के साथ प्रमाण के साथ आया हुआ, 1 साल बाद बाबा जी पुत्र का जन्म हुआ। विजय सिंह को भी बधाई भाई। हाँ, प्रमाण को लेके प्रमाण के साथ प्रणाम। मुझे मेरी उम्र प्रकाश नाम है, मेरी उम्र 85 ईयर्स है, 85 साल है। मैं हरियाणा से रेवाड़ी से आया हूँ और सीआरपीएफ में कमांडेंट था। मैं सीआरपीएफ में कमांडेंट, लकवा में आधी साइड खत्म हो जाती है।
मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैंने बड़ा बहुत कुछ पाया शरीर में और मैं 100 साल तो मुझे मामूली लगता है, उससे भी ज्यादा जीने की उम्मीद है। लो, अब 85 साल के हो गए और लकवाई को पराजित कर दिया है। न्यूरोग्री, ये पहले योग शिक्षक बनने आए थे, योग करवाना ओम प्रकाश जी, पूरे रिवाड़ी में योग का झंडा गाड़ दो। सबको मैं अभी कह रहा हूं, शिवरात्रि से लेके और होली तक मुझे सबको घर से बाहर निकालना है। अकेले योग मत करो, 10-20 मिलकर के करो, 50-100 मिलकर के करो। ये बता, ये प्रमाण के साथ आया है, बोल। मैं विजय सिंह शर्मा, तहसील अंबा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरी पत्नी को अभी इलाज चला था, ये कल ना पूरी रिपोर्ट लेके घूम रहा था, पूरी रिपोर्ट लेकर के आया हूँ। ये पूरे इलाज चला था रवि हॉस्पिटल में, आगरा में रजनी पचौरी डॉक्टर थी, उनने बोला था आपके बच्चा नहीं हो सकता है। अभी फिलिपियन ट्यूब है, बंद है, बोले तेरी पत्नी की, हमको निराश कर दिया। फिर हम उनने हमें सलाह दी और हमें द्वार से भी हम ही फोन करके पूछा था कि हमारे ऐसा ऐसा है, बोला कोई चिंता मत करो आपके बच्चा होगा, गारंटी से होगा। फिर हमारा इलाज चला, मेरी पत्नी ने एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा है ना कपाल भांति और प्राणायाम किया और ये पॉइंट दबाए, इलाज चला पतंजलि का और योग किया, उसके बाद में ये बच्चा पैदा हुआ है और ये 11 वर्ष का हो गया है। अभी लो 11 वर्ष पुराना प्रमाण है, 11 वर्ष का। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बच्चा ज्यादा मतलब जिसको कहते हैं परिष्कृत बच्चा पैदा हुआ है, योग करने से बाप से भी ज्यादा माँ से भी ज्यादा हेल्दी बच्चा पैदा होता है, ये भी लाइव एग्जाम्पल है। वो भी है ना, कोई इसमें कोई वो नहीं है, कोई खोट नहीं है, कभी बेसी नहीं है, हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। तो हम भी बच्चे का क्या करना चाहता बेटा, अभी आगे पढ़ाई करके क्या, कहाँ पढ़ना चाहता है? मैं यही पढ़ना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छा यहाँ पर लगा है मुझे, और कहीं स्कूल में ऐसा नहीं लगा। यही पढ़ेगा? हाँ। इसका सैनिक में वो हो गया था, किसमें सिलेक्शन हो गया था, आर्मी में, आर्मी स्कूल में सिलेक्शन हो गया। लोग तो तड़पते आर्मी स्कूल में, बोले मेरे को आर्मी स्कूल में नहीं पढ़ना, मेरे को आचार्य कुलम में पढ़ना है। जोरदार अभिनंदन भाई ओम का। महाराष्ट्र सांगली में हो गया था, महाराष्ट्र सांगली से फोन आया था कि बच्चे को लेके आ जाओ। सांगली से महाराष्ट्र से फोन आया कि भाई आर्मी स्कूल, महाराष्ट्र सांगली से लेके आया, बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। फिर तुम लेके क्यों नहीं गए? लेके अब हमने कि इसका मन नहीं था, उधर बोला मैं बाबा जी के शरण में वहीं रहूंगा, वहीं पढ़ूंगा। और ये बाबा बन गया तो क्या करेगा? बाबा बन जाए तो कोई बात नहीं, मेरा एक ही बेटा है। चलो इसको तो मैंने अनुमति दे दी पढ़ा दे, इस बालक को जोरदार अभिनंदन है, इस बालक का ओम का। अब ये बच्चा बुद्धिमान है, हम बुद्धिमान प्रज्ञावान बच्चों को, श्रद्धावान बच्चों को लेते, उद्दंड दो बच्चे ही पूरे स्कूल में पूरा हड़दंग मचा देते हैं। कोई बाई चांस भर्ती भी हो जाए तो उसमें हाथ जोड़ करके फिर उसको विदा कर देते, भाई तू जा गलत जगह आ गया। खुश रहे बालक, अच्छा इसका शालीन बच्चा है, बुद्धिमान है और शीलवान है। चलो बापू के लिए और बेटे ओम के लिए काम किया है तो पतंजलि ने किया है। कोई भी इनफर्टिलिटी के रोगी को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, जो हम कहते हैं पूरा कर लो, 1-2 महीने से लेकर के 4-6 महीने अधिकतम लग सकते हैं पूरी चीजों को ठीक होने में, कोई निष्ठा से लग जाए 2 महीने टारगेट बना के तो 1-2 महीने में ही सारी चीजें ठीक। फिलिपिन ट्यूब बंद है, खुल जाएंगी, यूट्रस के फाइबर्स है, ओवरी की सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, पीसीओडी वो ठीक हो जाएगी, थायराइड ठीक हो जाएगा, हार्मोनल इंबैलेंस ठीक हो जाएगा, माताओं का ओवम नहीं बनता बनने लग जाएगा, सारी चीजें ठीक। लिवर से खराब लीवर को हमने 14 दिन में ठीक करके दिखाया है, लिवोग्रिड से खराब किडनी को, किडनी खराब करके ये आदमी पर नहीं कर सकते प्रयोग, जानवर ऊपर करते हैं, एनिमल ट्रायल उसको बोलते हैं। एनिमल ट्रायल करके 14 दिन में लीवर को रिवाइव किया हमने, 14 दिन में किडनी को रिवाइव किया, ये अजीब है, बड़ा एक रहस्यपूर्ण है, बड़ा रोमांचक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमने देखा जीवों पर लगभग परिणाम 2 सप्ताह में ही आ जाता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं यदि पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण पराक्रम शौर्य वीरता से जो मैं कहता हूं वैसा तुम 2 सप्ताह भी कर लो तो तुम भी, जब जानवरों को हमने ठीक कर दिया, अरे तुम तो आदमी हो, आदमी में तो अनंत शक्ति होती है, आत्मा में तो परमात्मा की अनंत ज्योति होती है।
कर बावहे तेजस्वनावधी तमस्तु महाविद विषावहे पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदच्छति पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः शान्तिः ओ